स्वागत है, मैं रेणु लता पांडे, संस्कृत शिक्षिका शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, इसके पिछले वीडियो में मैं आपको चैप्टर 5 तक कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको चैप्टर 6 आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान दीजिए, ये है चैप्टर 6। इसका शीर्षक है बच्चों आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। ठीक है, ये इसका चैप्टर का शीर्षक है आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। बच्चों, ये जो शीर्षक है ना, पहले आप इसे समझें। आकारांत का मतलब होता है, ये दीर्घ आ है ना, बड़ा आ, इसको दीर्घ आ भी बोलते हैं। तो जिस शब्द के अंत में आ स्वर होगा, बड़ा, तो शब्द को हम क्या कहेंगे, ये आकारांत है, यानी इसके अंत में आ स्वर है और स्त्रीलिंग है और संज्ञा शब्द है। यानी आज जो वर्ड्स आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो वर्ड्स कैसे होंगे, आकारांत होंगे, यानी उनके अंत में आ स्वर होगा, वो स्त्रीलिंग होंगे और संज्ञा होंगे। ठीक है, तो ये आपका जो शीर्षक है आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं। आप अपनी बुक ओपन करें और पेज नंबर 32 पर देखें आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। आपने अपनी बुक ओपन कर ली होगी। आप देखिए पेज नंबर 32 पर सबसे ऊपर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है अकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए अंत में आ लगा देते हैं। यानी जो पुल्लिंग शब्द है उसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, उसमें हम उसके आखिरी में आ लगा देते हैं। जैसे बाला, ठीक है, इसमें विसर्ग लगेगा तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन इसी को स्त्रीलिंग जब हम बनाएंगे तो बड़े आ की मात्रा लगा देंगे, तो यहां पर विसर्ग लगा देंगे तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, बड़े आ की मात्रा लगा देंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो इस तरह से पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए हमें क्या करना है, उस शब्द में बड़े आ की मात्रा लगा देंगे। क्लियर। अब इसका दूसरा पॉइंट है बच्चों, अपनी बुक में देखें जिन शब्दों के अंत में अक होता है, ठीक है, ध्यान से सुने, जिन शब्दों के अंत में अक होता है उन्हें स्त्रीलिंग में बदलने के लिए इका बना देते हैं। जैसे अब देखिए और भी शब्द हैं, जैसे बालक है, अब आप बोले इसको, इस शब्द का उच्चारण करें बालक, तो बालक में क्या निकल रहा है लास्ट में, अक, तो इस शब्द का स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इका जोड़ देंगे, तो शब्द बन जाएगा बालिका। ठीक है, अक जहां पर भी होगा उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उस शब्द में हम इका जोड़ देंगे तो वो स्त्रीलिंग का शब्द बन जाएगा। क्लियर। तो अब आगे आप देखें जिन शब्दों के अंत में आ स्वर आता है उन्हें आकारांत शब्द कहते हैं, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूं, तथा वे शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं। क्लियर। तो ये दो मेन पॉइंट्स थे बच्चों जिन्हें आपको समझना था। अब क्या है, आगे आप और देखें, आपकी बुक में पिक्चर्स दी हुई है और उन्हीं के नीचे उनका नाम लिखा हुआ है, तो मैं एक एक शब्द को पढ़ रही हूं। ये सारे शब्द जो आपके बुक में दिए हैं इस चैप्टर के अंतर्गत,
वो सारे जो है वो आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। उसमें से पहला है बच्चों शिक्षिका, छात्रा, कक्षा, पाठशाला। तो आप देख रहे हैं ना, सब में दीर्घ आ लगा हुआ है, तो ये स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। इसके बाद देखिए नासिका, ग्रीवा, भुजा, जिह्वा। जिह्वा मीन्स क्या होता है? जीव। नेक्स्ट है वीणा, मुद्रा, मुद्रा यानी पैसा, कुंजिका, गायिका। नेक्स्ट पेज पर आइए, 33 नंबर पेज पर देखें द्विचक्रिका। द्विचक्रिका यानी साइकिल, द्विचक्रिका यानी दो पहिए वाली अर्थात साइकिल। त्रिचक्रिका तीन चक्र यानी तीन पहिए वाला क्या है? रिक्शा। चतुष्पादिका यानी जिसमें चार पैर हो यानी कि वो है कुर्सी। मुद्रिका अंगूठी, वाटिका बगीचा, माला, कलिका, कलिका मीन्स कली, लता, तुला, तुला मीन्स तराजू, सेना, खटवा, खटवा मीन्स चारपाई, द्रववर्तिका, द्रववर्तिका मीन्स मोमबत्ती, पाकशाला, घटिका, मक्षिका, मक्षिका मीन्स मक्खी, वृद्धा, वृद्धा मीन्स बूढ़ी औरत, अजा, अजा मीन्स बकरी, कोकिला, कोकिला यानी कोयल, वर्तिका, सॉरी एक और शब्द है चटका, चटका मीन्स चिड़िया, वर्तिका, वर्तिका मीन्स बतख। तो बच्चों ये जितने भी शब्द मैंने आपको अभी बताए हैं पढ़ करके, ये सब जो है आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द हैं। क्लियर? एक बार फिर से सुन ले, शिक्षिका, छात्रा, कक्षा, पाठशाला, नासिका, ग्रीवा, भुजा, जिह्वा, वीणा, मुद्रा, कुंजिका, गायिका, द्विचक्रिका, त्रिचक्रिका, चतुष्पादिका, मुद्रिका, वाटिका, माला, कलिका, लता, तुला, सेना, खट्टवा, द्राव वर्तिका, पाकशाला, घटिका, मक्षिका, वृद्धा, अजा, कोकिला, चटका, वर्तिका। ठीक है, तो ये सारे शब्द हैं जिनके अंत में आ स्वर है। ठीक है, इसलिए इनको हम बोलते हैं आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है उसे बहुत ध्यान से, पहली बात तो ये है कि आप रीडिंग लगाएं, और जो ये शब्द दिए हुए हैं आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द, इनका उच्चारण जरूर करें, मात्राओं का, विसर्ग का, सबका उच्चारण बहुत ध्यान से करें, तो ये सारे शब्द आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और पेज नंबर 34 पर बच्चों नूतन शब्दावली दी है, यानी वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं इस चैप्टर के, तो आपको ये वर्ड मीनिंग्स याद करनी है। पर डे अगर आप 10 वर्ड मीनिंग्स भी याद करेंगे तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छी तरह से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय है।